हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। आज है मकर संक्रांति का दिन और आज मतलब कल से हमारा बेबी 3 मंथ का हो जाएगा, तो एक छोटा सा उसका स्पेशल बर्थडे बनाने के लिए हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। ये जगह फतेहपुर से कुछ कितने किलोमीटर है? 70 किलोमीटर दूर है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। काफ़ी सुना है इसके बारे में, तो आपको भी ले चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं कि कैसी क्या जगह है। लेट्स गो टू द पिकनिक विद माय सन, प्यारा प्यारा बेबी एंड प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट हबी। और वेद को मेरी लैप में अच्छा नहीं लग रहा था, ही इज नॉट कम्फर्टेबल इन माई लैप, सो इनको मैंने ऐसे लिया हुआ है। और अभी हम लोग कहीं पे रुके हुए हैं, हम लोग रुके हुए हैं गाड़ी में हवा चलवाने के लिए, तो कार में इस वक्त हवा पड़ रही है। इसके बाद हम लोग ऑन द वे हैं, अब पता नहीं कितनी देर में पहुंचेंगे। और मंदिर के खुलने की टाइमिंग 1 बजे है, तो उसी हिसाब से हम लोग निकले हैं घर से कि हम लोग 1.5 घंटे में पहुँच जाएँ। और आज लंच डिनर विनर सब करके रात में आराम से हम लोग आएँगे। और एक अच्छा सा गाना इन्होंने मेरे लिए डेडिकेट करा है, हालांकि कहा नहीं है इन्होंने मुझे कि ये गाना तुम्हारे लिए है, लेकिन ये मुझ मेरे लिए ही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो हम लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। और फिर हवा डालने वाले भैया कुछ बोलने लग गए, तो ये उनसे बात करने लग गए। तो खैर, मस्ती मजा मजाक हंसी यही रिश्ते की सच्चाई। तो सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चल दिए। और ये हम लोग की पहली कहीं बाहर पे ट्रिप थी। हम लोग इससे शादी जब से हुई है मेरी, तब से मैं कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाई इनके साथ, तो ये पहली बार मैं इनके साथ एज यू नो विजिटिंग या पिकनिक कह लें घूमने गई। तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, अराउंड 10 किलोमीटर्स रह गया है। और मैंने अभी अभी देखा है कि ये भक्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसे मंगल कहा जाता है। और ये जो मंदिर है ये कृपालु महाराज जी का मंदिर है, उनके द्वारा बनवाया गया है। तो लेट्स सी ये कैसा होता है। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, जब से आई हूँ करीबन मैं 1.5 साल से यहाँ हूँ, और बहुत लोगों ने मुझे बताया कि यार ये बहुत ही अच्छा मंदिर है और देखने काबिल है। और मैं इधर उधर के नज़ारे देख रही हूँ, साथ में बात भी कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंगल और हम लोग स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं। तो हम लोग सुबह पोहा लड्डू चाय कॉफ़ी सब पी के निकले थे, और इसके बाद हम लोग ने चोखा बाटी टिक्की बर्गर ये सब खाया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अच्छा होटल हम लोग को नहीं मिल रहा था। तो हम लोग आ चुके हैं मंगल, और इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और पतिदेव चल रहे थे आगे आगे और मैं अपना पत्नी धर्म निभाते हुए उनके पीछे चल रही थी। मजाक कर रही हूँ, वो अपनी चीज़ों को वॉचआउट कर रहे थे और मैं चीज़ों को कैप्चर कर रहे थे। और ये देखिए कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता के, वाह क्या प्रतिमा है जो आँखों को चकित ही करके रख देती है। और इसका आनंद तो आप जरूर कभी यहाँ से गुजरे तो लीजिएगा ज़रूर। तो बहरहाल अभी आप इस दृश्य को महसूस करिए, वाकई में बड़ा ही खूबसूरत। तो वी आर इन भक्ति दर्शन मंदिर, और ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जैसा आप लोग देख रहे हैं। और मैं इसका पूरा व्यू आपको देती हूँ, 360 व्यू पहले देती हूँ एक मैं आपको। ये सारे ही जितने भी आप दृश्य देख रहे हैं ना, ये आँखों को लुभाने वाले थे। और ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे, जैसे वहाँ पे जो गाय बैठी हुई थी ऐसा लगा कि रियल गाय बैठी हुई है, बहुत ही सुंदर है। और ये नागफन के ऊपर कृष्ण जी का जो नृत्य है, ये देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, बहुत बहुत भीड़ थी वहाँ पे। और यहाँ पे झांकी लगती है शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, जिसमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है, सारी लाइट सिस्टम है, बहुत ही सुंदर है। सुना मैंने यही है, मैं इतने देर नहीं रुक पाई थी क्योंकि मुझे निकलना था, शाम बहुत हो रही थी, बेबी बहुत छोटा है मेरा। तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे, सामान मैंने देखा बट मुझे बहुत कॉस्टली लगा, और ऐसे मुझे इन सब चीज़ों की इतनी नीड थी नहीं तो मैंने नहीं लिया।
बाकी सामान अच्छा था यहाँ पे। और ये कुछ एक आधे स्टॉल लगे हुए थे, विंटर के कलेक्शन था यहाँ पर, तो यहाँ से मैंने एक दो चीज़ें ली हैं। पहले मैं ये चप्पल देख रही थी, पर ये बहुत महंगी थी, 500 की थी, तो मैंने नहीं ली। ऐसे मैंने कई सामान यहाँ पर देखे, तो उसमें से दो चार सामान मैंने ले लिए हैं, तो जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। और जी मैं मंदिर के अंदर जाते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था यार, बहुत ठंडा लग रहा था मुझे। मैं बेबी को पूरा कवर करे हुए थी, मुझे डर था कि इसको ठंड ना लग जाए। और ये पता नहीं क्यों सहमा सा था, इसको अच्छा नहीं लग रहा था, या पहली बार भीड़ में आया था, क्या कारण था मुझे नहीं पता। और मैं दर्शन करके आई, और सच बता रही हूँ यार, वो अंदर का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही औसम मंदिर है। और अगर आप लोग प्रतापगढ़ में रहते हैं, ये एग्जैक्टली प्रतापगढ़ में है, और अगर आप लोग प्रताप ना बाबू प्रतापगढ़ में रहिए, हाँ, तो आप ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अंदर से बहुत ही आई कैप्चरिंग मोमेंट्स हैं यहाँ। और हमारी सवारी चल दी वापस घर की तरफ, और हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते करते गए। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने वाने गाए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और भगवान की पूजा के बाद हम पहुँचे पेट पूजा करने। हम लोग को थोड़ी दूर में मिल गया था एक रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट। मेन्यू कार्ड को इन्होंने खिसकाया मेरी तरफ और बोला, भैया जो भी करना है जल्दी ऑर्डर करो, मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख। तो जल्दी ऑर्डर करने में मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि एक थाली मंगा लेते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं क्या मंगाना है। तो हम लोगों ने एक थाली मंगाए, थाली में था दाल, रोटियाँ और पनीर की सब्जी और राइस और सैलेड। इसके बाद हम लोग ने पनीर लबाबदार मंगाया और रोटियाँ वगैरह मंगाए। तो खाना तो अच्छा था और होटल भी अच्छा था, खाकर मज़ा ही आ गया। मैंने वेट को सेटल कर दिया था जिससे खाने में दिक्कत ना हो। और ये जो पनीर लबाबदार था ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम खाया था, बहुत ही टेस्टी था। तो बस यही तक ही थी आज मेरी वीडियो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना खूब सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा यार।